सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस प्यार का जो हूँ मैं हकदार तो नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो राजेश जी ने और इनकी टीम ने जो मुझे मान सम्मान दिया है मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि फिल्म स्टडे के मार्च के जो एडिशन की है उस पर मुझे उन्होंने फ्रंट पेज पे शो किया है और अंदर मेरा आर्टिकल भी दिया है, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स दी हैं। तो एक खुशी होती है, हम किसी मकसद के लिए या किसी को रिज़ल्ट के लिए कोई मेडल के लिए अवार्ड के लिए काम नहीं करते, क्योंकि तो एक सोशल सर्विस है, एक समाज की सेवा है। जो हमारा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट है वो हम जितने शहीद परिवार हैं वो CISF के हों, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या इवन पुलिस के हों, हम मुंबई पुलिस का भी उतना ही, महाराष्ट्र पुलिस का भी उतना ही ध्यान रखते हैं उनके परिवारों का, क्योंकि ये जो सेवा है, देश की जो सेवा ये लोग करते हैं ये हमारे आपके लिए कर रहे हैं। आज 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में और -20-25 डिग्री सर्दियों में जो ये सेवा करते हैं वहाँ पे बॉर्डर पर रह के, तो वो उनकी बदौलत, उनकी मेहनत, उनकी जो देशभक्ति है उसकी वजह से हम यहाँ पे खुली सांस ले सकते हैं। हमारा जो हमको आज़ादी मिली है 1947 में वो हमको याद रखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से, उनकी खून की मेहनत से, उनके खून बहाने के बाद ये हमको आज़ादी मिली है। आज़ादी को हमने संभालना है, उसको बरकरार रखना है, तो इसके लिए जो वो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए, हम चैन की नींद सो सकें, हम अपना कारोबार कर सकें, बच्चों को संभाल सकें, पढ़ा सकें, खुद पढ़ सकें और बिज़नेस कर सकें। तो मैं काबिल समझता नहीं, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और फ्रंट पेज पे दिखाया। और मैं ये इनको वादा करता हूँ, आप सभी को, दर्शकों को वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इससे अभी मुझे एक 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 इंस्पिरेशन मिली है, एक पीठ पे एक थापी मिली है कि आप ये काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये वायदा करता हूँ कि मैं और इससे ज़्यादा जो भी समाज की सेवा हो सकेगी, जिसमें गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो जिनके माता पिता उनको छोड़ देते हैं और उनको सड़क पे फेंक देते हैं उठा के, तो उनके लिए भी हमें कर रहे हैं। एक्चुअली हमने ना मेरे फादर के नाम पे श्री सुरजन सिंह आहूजा चैरिटेबल ट्रस्ट एक बनाया है, अभी हाल ही में लॉन्च किया है उसको, तो उस ट्रस्ट के हिसाब से हमारी फैमिली का ट्रस्ट है। हमने पीछे 2 एम्बुलेंसेस अक्टूबर में 2018 में एनिमल्स के लिए, जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो बोल नहीं सकते, अपना दुख दर्द बांट नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो उनके लिए हमने एक लेटेस्ट जो है एयर कंडीशन्ड एम्बुलेंसेस हमारी फैमिली ने अक्टूबर में डोनेट की थी। तो जो अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा तन मन धन से, सब काम धन से नहीं होता, सब काम तन से नहीं होता, काम करने के लिए पैसा भी लगता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे फैमिली की तरफ से जो भी हम इसको हेल्प कर सकें, उसमें पशु पक्षी भी हैं, इंसान भी हैं, और जैसे मैंने बताया गरीब लड़कियों की शादी होती है तो उसके लिए भी हमने हमारी संस्था जो है वो हम उनको हेल्प करते हैं, बुज़ुर्गों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये वादा करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा समाज के लिए हो सकेगी हम करेंगे, हमारा परिवार करेगा। मिथिला पुरोहित भी जो मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, हमने एक ऐसे प्रोग्राम बनाया कि NGO हम खोलना चाहते हैं जिसके अंदर निष्काम सेवा हो, सेल्फलेस सेवा समाज के लिए हम कर सकें, तो इसमें आपकी भी हमको मदद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, मदद आपके आशीर्वाद के रूप में चाहिए, हमको और कोई मदद नहीं चाहिए, आशीर्वाद आपके गुड विशेज़, आपकी ब्लेसिंग चाहिए और माता रानी वाहिगुरु की, भगवान की, अल्लाह ताला की कृपा चाहिए कि हम ये काम कर सकें और समाज में जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारा एक फ़र्ज़ है। मैं कोई एहसान नहीं करूँगा, हम नहीं करेंगे, ना मिथिला करेगी ना मैं करूँगा, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है समाज के प्रति। अगर भगवान ने हमको एक ताकत दी है, शक्ति दी है, तो उसका हम मिल बांट के उसका उपयोग करें, यही मेरी सोच है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है बड़ा। और राजेश जी के बारे तो मैं क्या कहूँ कि इनका जो स्वभाव, इनका जो इनकी अप्रोच है लाइफ में बड़ी जेन्युइन है। अप्रोच जेन्युइन होना और अप्रोच होने में फ़र्क है, बड़ी जेन्युइन है, बड़ी ऑनेस्टी है, और तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ भगवान के चरणों में, वाहिगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसे अच्छी सेहत दे और ऐसी सोच इनकी बनाए रखे कि समाज की सेवा, फिल्म इंडस्ट्री की सेवा, सोशल वर्क जो है करते रहे। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आप प्रेस का देता हूँ कि आप लोग इतने दूर दूर से आके और ये आपने इतना कवरेज आप कर रहे हैं, आपने भी अपना टाइम लगाया है, यहाँ पे आए हैं हमारे साथ मिल के ये जश्न मना रहे हैं। मैं प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ, जितने मेरे हमारे गेस्ट यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ शरीक हुए हैं, हमारे साथ जुड़ के ये जश्न, ये इवेंट बना रहे हैं, तो मैं इस इवेंट पे जो आप लोग आए हैं उसका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिश्रा जी आप बताइए क्या कर जाएंगे ऐसी सुप्रीम कोर्ट के जमाने में इतने अच्छे।
इंसान है, कितना परोपकार करते हैं, तो समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एसपी की बात करती हूँ, ये बहुत ही मतलब लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, सबके बारे में, चाहे वो अपना है चाहे पराया है। इवन लोग तो हैं, जैसे इन्होंने बताया एम्बुलेंसेस दी थी जो जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए थी, तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा सबके मन में होना चाहिए। और मैं तो इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी सबके साथ करते रहिए और मुझे भी अपने काम में अपने साथ शामिल कीजिए कि मैं भी लोगों की थोड़ी बहुत सेवा कर सकूँ आपके साथ मिल के। हाँ, ये भी जानना चाहूँगा कि बिजनेस क्लास से हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो बिजनेस क्लास के लोगों ने प्रॉफिट कमाना मेन मकसद होता है, लेकिन आपसे कितना प्रेरणा मिलती है लोगों को, अभी अखबार पेज पे आया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी होता है कि सामाजिक जो जिम्मेदारी उसको भी निभाना? मैं ये समझता हूँ जैसे इंसान के लिए जीने के लिए खाना पीना हवा श्वास इम्पॉर्टेंट है, नींद इम्पॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से दुनिया की सेवा करना भी एक एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेवा यहाँ पर नहीं लिखी जाती, उसकी दरगाह में लिखी जाती है। तो अगर उसका आपको आशीर्वाद चाहिए, उसके चरणों में, उसके चरणों का आपको सुख लेना है, सुख लेना है उनका, ये इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी उसका अगर आपने फ़ायदा उठाना है, उसका आपको फल लेना है, तो ये आप जितनी सेवा करेंगे, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री बिज़नेस ये सिर्फ ठीक है, हमारी भगवान की कृपा से इंडस्ट्री है, हमारे कपड़े की मिले हैं, हम वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन जो हमको प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट कोई हमारी मेरी मेहनत का या मेरी समझ का नहीं है, ये आप लोगों के जो मेरे वहाँ वर्कर काम करते हैं उनके पैरों की बदौलत से, उनकी किस्मत से शायद मुझे मिलता होगा, मुझे नहीं पता कि मुझे भगवान किस रूप से दे रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता है, मैं बोलूँ कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, आदमी को एक श्वास का पता नहीं होता। तो ये जो इंडस्ट्री जो मैं हम चला रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं पूना में है, सूरत में है, डोंबिवली में है, दिल्ली में है, तो ये जो ये चीज़ वहाँ बनती है, प्रॉफिट मिलता है, हम कोशिश करते हैं प्रॉफिट के साथ, क्योंकि जो दसवंत होता है उसमें से ये दान पुण्य करना, सेवा करना बहुत ज़रूरी है, तो हम कोशिश ये करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हमें सेवा करें, और ये सेवा हम अपने लिए करनी है, हमको समाज के लिए करनी है, और हमको भगवान का आशीर्वाद देने के लिए करनी है, ये अगर सोच होगी तो मैं समझता हूँ। मैं बाकी लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग भी, इट्स नॉट ओनली बिजनेस इंडस्ट्री, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन भी कर रहे हैं, अगर आपकी पगार 50,000 है, उसमें अगर 2,000 रुपये का अच्छा काम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो मैं फिर से ये आप लोगों से निवेदन करूँगा और अपना पूरा योगदान जो हो सके समाज को दें, अपने देश को दें, अपने धर्म को दें, अपने परिवार को दें, अपनी सोसाइटी को दें, और आपके जो मोहल्ले जहाँ आप रहते हैं उधर भी जो काम हो सकता है आप सेवा करें, वही भगवान की सेवा है मेरे हिसाब से।